सूरज हमारा वफादार है। सूरज कभी धोखा नहीं दे सकता है। और हम उनका मारने के बारे में भी नहीं सोच सकते, इसलिए आप भी अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए रणविजय जी। हम जानते थे, हम जानते थे कि आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं होगा। आज सूरज की जान लेकर रहेंगे और आपको विश्वास दिला कर रहेंगे कि सूरज हमारा वफादार नहीं रहा, वो चकोर का पालतू हो गया है। आप बोलो, बार बार फोन क्यों कर रहे हो? क्या पक्की खबर है? कहां देखा उन्हें? ओके रणविजय जी, ये क्या, ये क्या सुन रहे हो? ये आपने कौन खबरी छोड़कर रखा, वो भी हमका बिना बताए? आप तो जानते हैं कि हमका ये चूहे बिल्ली का खेल बिल्कुल नहीं पसंद है। और आप जानती है ना कि हमें आपका हर बात पे टांग अड़ाना अच्छा नहीं लगता। रणविजय जी, आपका क्या हुई गवा? आप हमसे इस तरह जबरदस्ती नहीं कर सका तो नहीं, आप हमसे आपकी हर बात इस तरीके से मनवा सकते हो। और हाँ, हमको कोनो उड़ते घोड़े ढूंढने का कोनो शौक नहीं है। अरे ये घोड़े कधे का खेल नहीं है। हमें अभी भी खबर मिली है कि सूरज और चकोर गांव के तालाब के पास रासलीला रचा रहे हैं। चलिए उन्हें रंगे हाथों पकड़ते हैं। एक मिनट, जाने से पहले हम आपसे एक वादा चाहते हैं कि अगर हमने उन्हें रंगे हाथ पकड़ा और हमारी खबर सही निकली, आप हमें सूरज को मारने से नहीं रोकेंगे। कीजिए वादा। अगर आप भी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए रणविजय जी, सूरज हमारा वफादार है और हमका पूरा विश्वास है कि वो चकोर के साथ मिलकर हमका धोखा कभी नहीं दे सकता। मगर फिर भी ठीक है, आपकी मन की तसल्ली के लिए चलिए चलकर आपकी शंका दूर कर देते। और हाँ, अगर हम गलत निकले और सूरज वफादार नहीं निकला तो हम खुद ही आपका बंदूक देंगे उसका मारने के लिए। दिया वादा। क्या बिना बात इमली जी, अब निकालिए अपनी डिजाइन वाली बंदूक, क्योंकि आज सूरज नहीं बचेगा। नहीं बनेंगे तुम्हारे दोस्त, और हम जानते हैं तुम कुछ। आपको लगता है ना कि सूरज हमारा आदमी है? अब देखते रहिए कैसे जाके बचाता है वो हमारी दुश्मन को। रणविजय जी, हम अभी भी कह रहे कि सूरज उस चकोर को बचाने का प्रयास नहीं कर रहे थे, अब खमका एक वफादार इंसान को मार रहे। करेगा इमली जी, जरूर करेगा। उसने पहले भी उस चकोर की जान बचाई है,
तो राज फिर बचाएगा, और जैसे ही वो उसकी जान बचाने निकलेगा हम उसकी खोपड़ियां उड़ा देंगे। जा बेटा जा, उठ जा, अपनी लैला को बचा जा। तुम्हें मरना है तो मर जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम नहीं बचाएंगे तुम्हें। देख लिया रणविजय जी, स्वयं अपनी आंखों से देख लिया आपने, अब हुई गई तसल्ली। तुम कह रहे थे ना कि सूरज चकोर को नहीं बचाइए, अगर सूरज की याददाश्त वापस आई गई होती तो इस तरह वो चकोर को मरने के लिए अकेला नहीं छोड़ता, समझे? नहीं, नहीं। अब रणविजय जी, हम तो कहते हैं कि यह मुंह ताकने से बेहतर है कि हम चकोर को मरते हुए देखें। क्यों, चलिए। अरे चलिए चकोरिया। चकोरिया दीदी। चकोर। चकोरिया दीदी। चकोर कहाँ है? चकोर, चकोर कहाँ है? हमको लगा था कि मूजली आज भी नहीं मरी है। हमको तो ये भी लगा था कि इस चकोर ने जमदूत के संग दोस्ती गाठ ली है। अब चलिए रणविजय जी यहाँ से, इससे पहले कि इस चकोर की मौत का इल्जाम हम दोनों पर है। चलिए। चकोर। चकोरिया दीदी, इस सूरज पे अभी ना इंसान है या जानवर, कोई भी हो, किसी भी गैर को इस हालत में देखिए तो बचा ही ले है। और इस सूरज पे मुंह मोड़ के चले गए। वो सूरज चकोरिया का पति नहीं है, वो पाल तो भेड़िया है उन राक्षस लोगों का। चकोरिया दीदी। चकोर। सूरज चला गया। हाँ। जल्दी आ, जल्दी। आराम से, ठीक है ना तू? ठीक है तू? ठीक है। ऊपर वाले की दया से हमारे पास ये नली थी जिसके जरिए हम सांस ले रहे थे। सूरज कहाँ है? सूरज भैया को छोड़ दो चकोरिया दीदी, सूरज भैया को छोड़ दो। तू ऊपर वाले की कृपा थी, तू का कछु नहीं हुआ। मेरा सूरज पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था, और तू किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। तू तो कूद गई यहाँ पर अपनी जान देने के लिए, और वो भी चला गया तुझे मरने के लिए छोड़ के। क्या? और सूरज भैया के चक्कर में खुद को दंड देगा बंद कर दियो। अब तोरा सूरज नहीं रहा, ऊना अब उन लोगों का बंधुआ बन चुका। तुम उनकी याददाश्त वापस लाके इसे छोड़ दियो। ये तुमसे नहीं होता पाकी, ये हमारी जिद नहीं है, ये हमारा प्यार है, और हम अपने प्यार को नहीं छोड़ सकते। एक हमारा प्यार ही तो है जिसके बलबूते हम जी रहे हैं। बाकी हम हार नहीं मानेंगे, हमारा प्यार कभी हार नहीं सकता। हम सूरज को उसकी याददाश्त वापस दिला के रहेंगे। सूरज को हमारा बचपन याद आ सकता है, हमारा अतीत याद आ सकता है, तो उसे हमारा वर्तमान क्यों नहीं याद आ सकता? हम उसे सब कुछ याद दिलवा कर रहेंगे, सब कुछ। जब तक हम सूरज की याददाश्त वापस नहीं ला देते तब तक हम हार नहीं मानेंगे। हम सूरज को वापस पा कर लेंगे।
चकोरिया तू फौरा गई, हाँ जीतने के चक्कर में अपनी जिंदगी हारने चली है, बस बहुत हुई गवा। माई तुम्हारी बात नहीं चकोरिया, बस हुई गवा भी, हमका तोरी कोनो बात नहीं सुने की। एक बिटिया जो है वो होकर भी नहीं, और दूजी है वो पूरा प्रबंध कर रही है, ऊपर जाएगा। और चकोरिया हम तो का बोल रहे, फिर से तो का ये सब कुछ करेगा है ना, तो हमका भी पहले से बोल दे, हम भी तोरे साथ जो है कूद जाए, फिर तो हमारा मरा हुआ मुंह देख। बस माई तू बेकार में हमारी चिंता कर रही है। बेकार में चिंता नहीं कर रहे हम, माई हमें मालूम है ना, हमें कुछ नहीं होता, और अगर कछु हुई जाता तो हा? तो फिर हम कहा करिए चकोरिया, सोचा है कभी? चकोरिया तो कब बोल रहे हैं बचपन सूरज बाबू को उनकी पुरानी जिंदगी नहीं याद आई है, वो सब कुछ भूल गए हैं, उनसे आस ना ही लगा बचवा। मिल गवा हमका, हमका ताला चाबी मिल गवा, कस्तूरी का समझाएगा कौनो फायदा नहीं, इका हम ले जाए के अभी कोठी मा बंद कर दई है, वहां अकेले रहिए तो ठीक हो जाइए, वहां अकेली रहिए ना कौनो मनमानी नहीं कर सकत, और ना ही ऊट पटांग ख्याल इके दिमाग में आई है, और ये जो सूरज बाबू की याददाश्त वापस लाए का भूत सवार है ना वो भी उतर जाइए, चल हमरे संग। बाबू हमारी बात तो सुनो, हमारी बात सुनो बाबू, हम जो भी कर रहे अपने पति को वापस पाने के लिए कर रहे, अगर हमारी जगह आप दोनों होते तो आप दोनों भी ऐसा ही करते जैसा हम कर रहे। बाबू हम बस अपने सूरज को वापस पाने का प्रयास कर, और कुछ नहीं। कस्तूरिया चकुरिया बात तो ठीक ही करत है, अगर तोका कछु हो जाता तो हम भी तो वही करते जो ई कर रही है। हन्य चकोरिया और चकोरिया के बापू, तुम दोनों को जो करेगा है ना वो करो, आज के बाद इस घर में हम कछु नहीं बोली है, कछु बोलेगा ही नहीं हमका, नहीं बोली है छोड़ दो, हमारी तो बात ही नहीं कोई सुना जाए। बात तो सुन कस्तूरिया, अरे जी समझ नहीं क्या है, और सूरज जो है दोनों मिले हुए हैं, सूरज को उसकी याददाश्त वापस आ चुकी है, ढोंग कर रहे हैं वो ढोंग। अच्छा ठीक है, हमका साबित कर दीजिएगा, अगर फिलहाल चुनाव है ना तो शांति बनाई रखे, और फिलहाल के लिए हमका उठाकर कमरे में लेकर जाइए ना। चकुरिया चकुरिया ये देख, बस्ती के कुएं के किनारे हमका ये मोबाइल मिला है, और ये मोबाइल से रणविजय को 25 बार कॉल किया गया। क्या? हाँ ये दे। हाँ इसका मतलब कोई हमारी जासूसी करके हमारी खबरें रणविजय को दे रहा है। क्या हो चकोरिया, मुस्कुरा कह रही? छगन हमने तुम दोनों को कहा था ना कि रणविजय पर नजर रखो, लेकिन अब तुम्हें ये काम करने की कोई जरूरत नहीं, अगर रणविजय का जासूस यहाँ आ सकता है तो हमारा जासूस भी तो हवेली जा सकता है। हाँ इतनी सी बात हमारे समझ में काहे नहीं आई, क्या बात है चकोरिया, अरे ऐसे थोड़ा तो हम सबकी नेता है ना। प्रार्थना करो कि हम यूं ही अपने प्रयास में सफल होते जाएं। सूरज से तो हम दोस्ती करके रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें जो करना पड़े। Thank you.
बच गई। नाटक पास। सूरज हमें तुमसे कुछ पूछना है। क्या पूछना है? ये रस्सी कितना वजन उठा सकती है? बहुत सारा। मतलब ये रस्सी हमारा वजन उठा लेगी, है ना? बोलो ना सूरज। हाँ उठा सकती है, लेकिन ये हमसे क्यों पूछ रही हो तुम? हमारे मालिक मालकिन आने वाले, हमें हमारा काम खत्म करने दो। तू कर लेना, इतनी जल्दी क्या है? देखो हमें तुमसे एक मदद चाहिए। इस रस्सी का हमें हार बनाना है, इसका एक हिस्सा गोल करने में तुम हमारी मदद कर दोगे? प्लीज हमारी मदद कर दो। मैं नहीं आता। ये लो।